हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस्टर हसनैन चैनल। तो सबसे पहला आप लोगों को मुहर्रम मुबारक और नया साल मुबारक। तो गाइस आज है ना, आज हम लोग ने हम्माद के लिए मंगाए थे, क्या नेट वाला वो गद्दा रहता ना, वो हमारे घर में कैसा मक्खी और मच्छर बहुत आ रहे थे बारिश की वजह से, तो इसके वजह से मंगाए मेरे पापा के लिए हम लोग ने गद्दा नेट वाला जाली वाला। तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मस्त सोया है सुकून में, मक्खी मच्छर लोग अभी मेरे बेटे को परेशान नहीं करेंगे। देखो नहीं तो अभी तक का कितनी बार तो उड़ी आता था मक्खी नाक पे मुंह पे, ऐसा भिन 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 करते रहते थे। और उसके साथ में अच्छा मस्त वो प्लास्टिक वाला आता है ना, शीट भी मिली है, उसके ऊपर सुसु सुसु भी करेगा तो उसको टेंशन नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। हम लोग ने मुमरा में भी इधर पे भी देखे, यानी दुकानों में तो बहुत महंगा मिल रहा था, तो हम लोग को ऑनलाइन मिल गया सस्ता 397 का, यानी ऑलमोस्ट 400 का मिल गया। और खाली ना ये जो गद्दा है ना, गद्दा और नेट खाली ये इधर पे हम लोग दुकान में पूछे ना 450, 500, 600 ऐसा बोल रहे थे, और हम लोग को 400 में चार चीज़ मिली ना बाबू। हाँ, एक तो ये गद्दा मिला और उसके साथ में हाँ बेबी शॉल मिला है, शॉल भी मिला है उसके साथ में, बहुत अच्छा शॉल है, ये शॉल है। और उसके साथ में दो तकिए भी मिले, वो जो गर्दन वाले तकिए रहते नहीं है क्या, गर्दन में फंसाते कई जी लोग को कैसा, वो संकली डालते वो वाला, लो भैया हाँ उल्टा है ये सीधा है कैसा, अच्छा ये सीधा है ये सीधा है। तो ये है एकदम मस्त सस्ते में मिल गया। और ये थोड़ा ये जो तकिया है ना, ये थोड़ा हार्ड है, यानी कड़क है थोड़ा, इसके अंदर ना हाँ थोड़ा बड़ा होएगा ना तब के लिए है वो, तो अभी इसको थोड़ा रहने देते। वैसे भी उसके पास तकिया तो ऑलरेडी है ही है नरम कापूस वाली, तो अभी थोड़ा सुकून से सो रहा है और हम लोग को भी थोड़ा आराम मिल रहा है ना। तो अभी भाई साहब भी हसनैन भी गए हैं नीचे दादी के पास में खेल रहे, और अपुन इधर पे बैठ के हम्माद के पास थोड़ा बैठा था मैं, क्योंकि सुबह से थोड़ा टाइम मिलता है शाम में थोड़ा बच्चे के साथ में, और वो भी आओ तो सोते रहता, थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता थोड़ा थोड़ा खेलो तो अच्छा है, नहीं तो रोना चालू करते ना बाप बच्चे लोग तो एकदम जान खा जाते। तो अभी हाँ आफरीन भी बना रही है अंडे का सालन, अंडे का सालन अम्मी ने बोले अंडे का सालन बना आफरीन। तो मसाला वसाला देखो अभी भून रही है आफरीन, उसको ढक दी है, इधर दाल गरम हो रही है, और इधर पे अंडा अंडा फ्राई कर दी है, आलू उबाल दी है, और इधर चावल भिगा के रखी है। और आफरीन की आज थोड़ी तबीयत डाउन है, इसके वजह से ज़्यादा कुछ बोल रही नहीं है, है ना बाबू। इसके अंदर ही पूरी मूँगी लग गई, देखो लक्ष्मण रेखा लगा के रखी है, और इधर देखो पूरी मूँगी मूँगी, ये रबड़ है ना, रबड़ के बीच में मूँगी घुस जाती है। इससे पहले जो फ्रिज थी ना उसके अंदर पूरे कॉकरोच घुसे थे, इससे पहले कॉकरोच घुसे थे ना इसके अंदर पूरे, और ये पूरी मूँगी लग गई थी। एक ऐसा है मालूम है कि ये रबड़ निकला हुआ रहता है ना तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है सारे। क्या हो गया बाप जब से आया तब से एकदम उदास उदास बैठे, इसको पूछ रहा हूँ क्या हुआ क्या हुआ, तो कुछ बोल ही नहीं है। कुछ नहीं है, क्या होगा तबीयत ठीक रहती है तो इंसान का चेहरा देख के मालूम पड़ता है ना, और ख़राब रहती तो भी देख के मालूम पड़ता है, तो अपन पूछते तो भी बता रही हूँ। है ठीक है तो है, अभी चलते ही रहेगा वो सब। तो कैसा है ना कि अभी मैंने दो तीन औरत लोग को ये बोला घर के काम के लिए, लेकिन कोई आ रहा नहीं है, सब बिजी है, तो कैसा इसको काम भी पड़ना करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा भारी पड़ रहा है, जैसे कमर का दर्द पैर का दर्द, जो मैंने बोला भी हो दो तीन जन को, लेकिन उन लोग आ रहे नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं ना। और जो मेन रहते हैं ना लीडर, जो काम हम पे लगाते हैं औरत लोग को, उन लोग को भी बोला हूँ मैंने, क्या मसला है क्या मालूम यार, हम लोग से बहुत प्रॉब्लम है तक पब्लिक को बोलते ना बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है ना, सही बात है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता ना, वो भी निकल ही जाता है ना। हाँ वो भी अल्लाह सब निकाल देता है, अच्छे बुरे वक्त सब अल्लाह निकाल देता है, तो चलो ये भी निकल जाएगा, थोड़े दिन बचे इंशाल्लाह, है ना।
तो चलो मेरे पापा के पास थोड़ा बैठेंगे, उसके पास कोई नहीं है। देखो जैसे खोला ना वैसे अंगड़ाइया लेती हूँ मैं जब जोर जोर से अंगड़ाई लेना चालू कर दिया। माँ सीधा ले वाह मेरे बच्चे के स्माइल, पहली स्माइल। नीचे अम्मी के पास ही है वो, और रोटी लेके आए। रोटी अगर अभी बनाएगी तो तेरे को और तकलीफ होगी बैठे बैठे। रुक बाबा तेरे को बंद कर देता हूँ मैं, तू जेल में जा वापस, तू जेल में अच्छा है। हाँ तू खुला मत रह, तू कैदी है, अपराधी है तू, तू चिल्लाएगा जोर जोर से अभी। रुक जा तेरे भाई को बुला के लेके आता हूँ। हशो है पापा, क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। क्या बोलता मोटू? हाँ क्या अच्छी 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 है। अच्छी अम्मी तो को बुला रहे। हाँ खाना खाने यहाँ पे खा लेगा दादी के पास। तो हसु भाई इधर भाई बैठ के टीवी देख रहे हैं ना, पिक्चर देख रहे हैं, हंगामा। पाव चाहिए मोटू? मेरे मोटू का ना पाव एकदम फेवरेट है, सालन के साथ चाहिए पाव। हाँ तू कुछ नहीं खाता, हाँ पैसा ले और जा दुकान से ले क्या। और 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 ये हम लोग के घर का सेट है, सेट सेट है हम लोग के घर का, ये मोटा सेट है। क्या चाहिए? चाय के साथ थोड़ा पाव। हाँ बता दे तेरा। हाँ चाचा है तेरा? चाचा कौन है? कौन मारा मम्मा? मेरा ही नाम लेते हैं, कोई मारेगा बोलेगी अज्जू मारा, अज्जू भाई मारा। कौन मारा मम्मा? तू पिक्चर देख रहा है? चल ठीक है, हाँ बाय बाय। हाँ बोलेगा रुक आया। क्या गाइस तुमको मालूम एक ना मुसीबत हो गई है? क्या मुसीबत हो गई? एक ना लड़की एकदम बड़ी सी लहर के पास खड़ी थी, फोटो खिंचवा रही थी। और ना आज के पीछे से एकदम बड़ी लहर आई, बाद में वो उसके ऊपर आ गई और बच्चे के ऊपर, बाप के ऊपर गई ना, माँ के ऊपर गई, माँ डूब गई, माँ डूब गई। हाँ। बच्ची बच गई। कहानी खत्म, चलो सो जाओ, जाओ चल। देख रहा है टीवी और उसको खाना खाने के बाद तो बोलता है कि मैं दादी के साथ खा लूँगा। तो अंडे का सालन रेडी हो गया, आपने का लाल सालन है ना। मम्मी बोल रहे पाव चाहिए पाव, रोटी नहीं खाएंगे वो। आफिन को ये पाव चाहिए ना, ना बच्चा हिल रहा है। तो बर्तन को रख देते हैं बाहर, क्योंकि हम लोग का जो बर्तन धोने की जगह, कपड़ा धोने की जगह, ये गैलरी से हमने मशीन भी इधर रखी हुई है और इधर पे बर्तन वर्तन आफिन धोती है। और ये मैं हम्मात का रख देता हूँ शॉल उठा के वापस से इसकी जगह पे, नहीं तो इसके अंदर घुस जाएगी मूंगी और अपन मार देते झाड़ू घर में। कचरा भी फेंकने जाने का अपने को, अभी सब इधर टंगा टंगा के रखते हैं हम लोग दिन भर, रात में जाके इसको फेंक के आते हैं। तो भाई साहब अभी हम्मात उड़ गए है ना, और इसको अभी नीचे डाला ना तो सीधा रोना धोना चालू कर दिया, वापस से मांडी पे लिया तो शांत हुआ है। भाई साहब को मांडी चाहिए, गोदी चाहिए, भाई साहब झूला झूलाते रहो इसको। थोड़ा झूले का प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को, कैसा है कि छोटा झूला मिल रहा नहीं है, बड़े बड़े झूले मिल रहे और जगह नहीं हो रही है बड़े झूले के लिए,
इसके वजह से, और लटकाने के लिए मिल रहा है छोटा झूला, लेकिन कैसा है कि फोर सीलिंग है ना ऊपर, तो लटकाने की जगह भी नहीं है घर में, है ना रे बाबू, लटका भी नहीं सकते कहीं पे। तो अभी छोटा झूला बहुत अभी ढूंढना पड़ेगा, इधर उधर पूरी दुकानों पे ढूंढना पड़ेगा, मिल गया तो नसीब, नहीं मिला तो फिर वही मांडी पे झूलाते रहो, है ना, मांडी पे ऐसे झूलाते रहो। कौन कैसा रहता पापा, तू रो के बता तो, क्या देख रहा है उधर, अपने आप को देख रहा है देख रहा है, मैं उधर कहाँ चले गया, एक और पापा कहाँ से आ गया, है ना, एक और पापा कहाँ से आ गया, हाँ एक और रोके बता रहा है, ऐसा रोते अच्छा रोके ऐसा रोते बता रहा, उधर का मुंडी घुसा रहा तू, अरे शर्म आ रही, सामने देखना ए छोकरे, सामने देख के बात करना, मुंडी क्या छुपा रहा उधर, हाँ कहाँ लगा है होठ पे, भूख लगी उधर, फिर तुम्हें ये नज़र से नज़र मिला, ये बात कर, नज़र छुपा के बात नहीं करने का, हाँ चलो भूख लगी, जाके दूध पियो जाओ। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, है ना, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।